नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 15 मूव्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं क्रेजी बिशप ऐप में थर्ड लेवल पर वाइट से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर उसने सिसिलियन डिफेंस खेला है, तो मैं खेलूँगा नाइट F3। इस ऐप में 100 लेवल्स हैं, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के कुछ लेवल्स हैं वो रैंडमली या इररेगुलर ओपनिंग खेलते हैं। अब यहाँ पर उसने E5 खेला है, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा नाइट क्रॉस E5। हालांकि यहाँ पर QE7 और आगे भी पॉसिबिलिटीज आती हैं, पर अगर इस तरह से अगर वन पॉइंट फ्री मिले और लाइंस ओपन हो तो यहाँ पे पॉन कैप्चर किया जा सकता है। उसने खेला है B5, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा मैं खेल सकता हूँ यहाँ पर बिशप क्रॉस B5, क्योंकि QA5 अभी फ़िलहाल तो नहीं आ सकता है, तो ये मूव खेला जा सकता है। QH4 खेला है उसने, E4 के पॉन पर अटैक है, तो उसको बचने के लिए मैं खेलूँगा यहाँ पर NC3। अब मेरे बिशप को भी सपोर्ट आ चुका है। QF6 खेला उसने, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा D4, क्योंकि मेरे नाइट पर अटैक है, एक सपोर्ट देना होगा। उसने H5 खेला है, मैं खेलूँगा यहाँ पर कैसलिंग। फर्स्ट 15 मूव्स की ये सीरीज़ मैंने स्पेशली इसीलिए बनाई है कि जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं या बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स हैं, क्यू क्रॉस D4 खेलूँगा मैं, उन सभी को स्पेशली फर्स्ट 15 मूव्स में कैसे खेलना चाहिए ये सीखने के लिए ये सीरीज़ मैंने बनाई है। मैं आपको पता होगा, जैसा कि ब्लैक पेन सीरीज़ नाम की जो वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है उसमें मैं पूरा गेम खेलता हूँ। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा बिशप E3, एक सपोर्ट आ जाएगा मेरी क्वीन को। उसने खेला है A6, मैं खेलूंगा यहाँ पर बिशप C4, उसके F7 के पॉन पर अटैक कर सकते हैं। नाइट C6 खेला उसने, तो अब मेरे नाइट और क्वीन दोनों पर ही अटैक है, तो अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ नाइट क्रॉस C6। उसने खेला है यहाँ पर बिशप B4, तो थर्ड लेवल है तो इस तरह के मूव्स आ सकते हैं इनिशियल लेवल्स पर, चूँकि 100 लेवल्स हैं ऐप में। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि इसी नाइट से मैं इस बिशप को कैप्चर कर सकता हूँ, तो एक ये मूव हो जाएगा। उसने खेला है RH6, एक बार देख लेते हैं कितने मूव्स हो गए हैं। 12 मूव्स कंप्लीट यहाँ पर हुए हैं, 3 मूव्स अब हम और खेलेंगे। यहाँ पर मुझे मटेरियल एडवांटेज गेन हो चुका है, तो ऐसे केस में मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी को भी अप्लाई करूँ। सिंप्लीफिकेशन मीन्स रहेगा सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना और आगे कैसलिंग और बाकी के पीसेस जैसे मेरे बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद
लास्ट में क्वीन बनाकर जीतना। यहाँ पर उसको रुक से मारना चाहिए था, तो उसने नाइट से मारा है, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर बिशप क्रॉस H6। 2 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट है। उसने खेला है RB8। अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ। उसने मेरे नाइट पे अटैक करा है, तो इधर तो खैर मैं पीस मार चुका था, तो अब इस नाइट को बचना है मुझे, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा मैं खेलूँगा यहाँ पर ND3। यही यहाँ पर बेटर मूव है। उसने खेला है KE7। एक बार देख लेते हैं कितने मूव्स हुए हैं। यस, अब एग्जैक्टली KE7 पर 15 मूव्स हमारे हो चुके हैं और ये बोर्ड पोजीशन है। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर पोजीशन 15 मूव्स कंप्लीट होने के बाद नोट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर ये यूँ टिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको चार्ट फिर से बता देता हूँ। इस तरह से मैंने चार्ट बनाया था, 100 लेवल्स का चार्ट है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट 15 मूव्स का चार्ट है। आपको भी इसे टिक करना है यहाँ पर और 100 लेवल्स तक खेलना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।